है फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजार जैसा रगड़ा पैटीज। तो रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सफ़ेद चना लिया है, इसको मैंने रात भर भिगो के रखा था। अब हम इसको कुकर में सीटी लगाएंगे। तो ये मैंने कुकर के डिब्बे में इसको डाल दिया है। अब हम इसमें चनों के लेवल तक पानी डालेंगे। अब इसमें नमक जाएगा, इसी के साथ इसमें हल्दी। अब इसको हमें कुकर में 4 से 5 सीटी लगानी है। तो ये मैंने चनों को कुकर में 4 से 5 सीटी दी है। अब हम इसको बाजू में रखेंगे। तो मैंने पैटीज बनाने के लिए यहाँ 4 आलू उबालकर इसको मैश करके लिया है। अब इसमें जाएगा नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा लहसुन और अदरक का पेस्ट और थोड़ा हरी मिर्च का पेस्ट। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी हल्दी भी डालूंगी। तो हमने सारी टिक्की बना ली है। अब हम इसको शैलो फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन को हीट करने के लिए गैस पे रख दिया है। अब पैन हीट होने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। के ऊपर से भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। तो मैंने सारी टिक्की को अच्छी तरह से पलट दिया है। अब इसकी दूसरी साइड भी गोल्डन फ्राई होने तक हम इसे फ्राई करेंगे।
प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने सारी टिक्कियों को एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम रगड़ा बनाते हैं। तो रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब इस ऑयल को हीट होने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई में का ऑयल हीट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा प्याज डालेंगे। और इस प्याज को हमें फ्राई करना है। प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे फ्राई करना है। प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा चैट मसाला। अब इसको हमें ठीक से मिलाना है। और टमाटर को अच्छी तरह पकने देना है। आप देख सकते हो टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। और इस पानी को उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें हमने जो कुकर में चना सीटी लगा कर लिए थे उसको मैंने आधा मैश कर लिया है। हाफ मैश ही करना है आपको इसको। और इसे हमें इस उबले हुए पानी में डालना है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे उसकी कंसिस्टेंसी और थिक बनती जाएगी। अब हमें इसको थोड़ी देर पकने देना है। तो ये हमारा रगड़ा पक चुका है। आप देख सकते हो अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो गई है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और रगड़ा पैटीज को सर्व करेंगे। रगड़ा पैटीज को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे लिया है। अब हम इसमें दो पैटीज रखेंगे। इसके ऊपर अब हमने बनाए वाला रगड़ा डालेंगे। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा हरा धनिया।
थोड़ा कटा हुआ प्याज, और थोड़ी खट्टी मीठी इमली की चटनी, तो ये हमारा रगड़ा पैटीज बन चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।